आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात इस मंच के द्वारा लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं, और हम सब आप मिलकर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उससे कुछ ना कुछ अच्छा अमृत बाहर जरूर आएगा। एक और कॉलर, बोलिए। नमस्कार, हेलो, हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, वो मैं अपना अन्य भाव अन्ना का कह रहा था। हाँ, हाँ सर, वो बहुत अच्छा कर रहे सर, मेरा पूरा प्रतिसाद है उनको। हाँ आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, जो मुद्दा आज हम आपको पूछ रहे हैं? धन्यवाद। हम गंभीरता के साथ भी सम्मिलित नहीं होते, हम केवल इतना उत्साह दिखाते हैं कि हाँ फोन लगाया, बोल दिया। हम देश के एक महत्वपूर्ण समस्या पर बात कर रहे हैं, जो भूखा, जो खुमार, या जो कहे कि जो नशा देश के 80% लोगों में चढ़ चुका है, उस नशा को उतार कर कहीं ना कहीं उसको सच्चाई का चित्रण दिखाना जरूरी है, नहीं तो उस नशा के लत में ही वो मारा जाएगा। इसलिए हम एक अच्छी सच्चाई आपके आपके सामने लेकर आए। देश वर्ल्ड कप जीता, इसमें आपके बराबर की और नहीं थोड़ी सी ज्यादा खुशी हमको है, लेकिन ये नशा है, यहां तक मत रुकिए, इस जुनून को देश के अन्य मुद्दों के लिए लगाइए, यह हमारा आज का कहना है। और एक कॉलर से भी बात करते हैं। हाँ बोलिए। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। आज आपने मुद्दा उठाया, सोनू बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। हाँ बोलिए सोनू। सर जो आज आपने मुद्दा उठाया, बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया ये। हाँ ये जो मुद्दा उठाया इसमें सही सही कह रहे हैं, ये जो इतना पैसा जो क्रिकेटरों पे खर्च करते हैं, ये करोड़ रुपए जो या हर साल जो सारे गवर्नमेंट इधर उधर खर्च कर रही है, ये फ्लैट दे रही है, ये जो मुद्दा है, अगर यही भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे भिखारी भाई हैं, अगर हर राज्य के अपने अपने भिखारियों को भी देंगे, अपने 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 बेरोजगारों पे खर्च करेंगे, तो वहाँ की जो बेरोजगार बेरोजगारी है वो खत्म होगी, और जो गरीबी है वो भी खत्म होगी। धन्यवाद। भिखारियों की देने की आपकी एक सोच हो सकती है, हालांकि इससे भी बेटर सोच के साथ हम देश के युवाओं को, वो इंटरप्रेन्योर, वो नव उद्योजक, उनको भी मदद करें तो शायद कई घरों को, कई हाथों को काम मिलेगा। एक और कॉलर। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? हेलो, हाँ हाँ नमस्कार बोलिए। नमस्कार। सर, हाँ सर, मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से आपने ये मुहिम छेड़ी है टीवी चैनल के द्वारा, जो आप शो कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से हम युवा लोग क्रिकेट को तवज्जो दे रहे हैं, अगर आज हम अन्ना हजारे जी के साथ इस तरीके से जुड़कर आए तो शायद हम युवा भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ सर, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा सर, पीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। बिल्कुल, धन्यवाद। देश में पीएम के प्रति भी नाराजगी और कई कार्यक्रमों के द्वारा वो निकल चुकी हैं। आज हम एक और कॉलर से बात करेंगे। हाँ नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी। हाँ बोलिए राजू जी। सर अभी अभी मैं अपने घर पे पहुंचा था, मुझे आज का सही मैंने मुद्दा भी मालूम नहीं था, जब मैंने ये अपना टीवी ऑन किया, आपका जो चैनल सुदर्शन टीवी लगाया, तो एक कॉलर बात कर रहे थे कि सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मैं उन्होंने कहा था कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ ऐसा सुनने के बाद। तो मैं आपके चैनल से, आपके ये माध्यम से उनको ये कहना चाहूंगा कि भारत रत्न वो अपनी तरफ से दे दे सचिन को, और उससे जो परिवर्तन होता है तो उसके बाद उनको मैं भारत रत्न उन भाई साहब को मैं दूंगा जी, क्योंकि शरद पवार जैसे लोग जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो करोड़ों कमाते हैं क्रिकेट से, और धोनी जैसे एड पे करोड़ों कमाते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं वो क्या कमाते हैं। बिल्कुल, वो अपना गवाते हैं, टाइम गवाते हैं। धन्यवाद। और एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। आज काफी कॉलर बात कर रहे हैं, और ये भी एक विशेषता है कि आज आईपीएल का उद्घाटन मैच होने के बावजूद भी इतने लोगों ने कॉल करके इस मुद्दे पर अपनी बात को रखा है। एक और कॉलर। हाँ नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम जनता को क्रिकेट के नशे में डुबो दिया गया है, और खुद जनता खुद डूब रही है। बिल्कुल, इसे अफीम की तरह से मिलाया गया है, और समाज को गलत दिशा मिल रही है। बिल्कुल, समाज और देश हमारा कई समस्याओं से घिरा हुआ है, परंतु जब से क्रिकेट में इंडस्ट्रियलिस्ट और सिनेमा के कलाकार जुड़े हैं, तब से ये अफीम चरस जो थी वो अफीम और हीरोइन में बदल गई है। बिल्कुल,
सीमा पर मरने वाले जवान को तो 10 लाख रुपए सरकार देती है और एक छक्का मारने वाले आदमी को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, इससे और ज्यादा क्रिकेट महंगा मंचित हो रही है और युवा पीढ़ी सारी समस्याओं से हटके खाली क्रिकेट क्रिकेट और चीयर लीडर्स और इन नाच गानों की तरफ मस्त हो रही है। बिल्कुल, उसके लिए देश और ये हमारे देश के बहुत धन्यवाद। हरीश जी, एक और कॉलर से भी बात करते हैं, देखते वो भी क्या कहना चाहते हैं। आज बहुत कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, ये क्रिकेट का जो है ना, जो बुखार पूरे राष्ट्र में फैला हुआ है, इसे जो है सरकार भी बढ़ावा दे रही है, मीडिया वाले भी बढ़ावा दे रहे हैं, इसके कारण जो है ना अन्य खेल जो है वो प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, अन्य खेल प्रभावित होने से जो है ना हम ओलंपिक में और जो है ना कॉमनवेल्थ गेम में अन एशियन गेम में जो हम फेलियर हो रहे हैं। बिल्कुल, और 120 देश में सिर्फ जो है ना 5 या 6 खेलते हैं जो सही मामले में खेलते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इत्यादि जो देश है वहाँ फेमस है, ज्यादा पॉपुलर खेल है फुटबॉल। लेकिन हम जो है ना इस क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं और अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं और ये जो है ना शराब की तरह जो है मीडिया और सरकार जो है ना परोस रही है। बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल, अन्य खेलों को धन्यवाद, अन्य खेलों को बढ़ावा देने की बात करें। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, आपको प्रश्न है क्यों नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार का जो मुद्दा है, सरकार जो मुद्दा विशेष ध्यान देती है जिसमें की सरकार का बेनिफिट हो। हाँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि देखते देखिए सरकार की अन्य मुद्दों पर इतने ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होता। धन्यवाद। अपना प्राथमिकता के आधार पर चुनेंगे और देश अब तक तो क्रिकेट को चुनता आया है। क्या कहना है आपका, आप अपनी बात को रख सकते हैं, बात बता सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ हाँ बोलिए। मोदी नगर से बोल रहा हूँ जी। हाँ, जी बोल रहे हैं मोदी नगर से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप। नहीं जी, अभी मैंने ये प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें एक कॉलर बोल रहे थे कि सचिन को वो बनाते थे भारत रत्न देकर के। अरे सचिन तो अरबपति है, तुम भी अरबपति हो गए क्या। गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, उनको गेहूं अनाज नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है। अरबपति अब भी हो गए, अरबपति जो गुंडे बदमाश छुट्टे हो गए सारे के सारे, इंडिया को खा गए लूट कर गई हो। बिल्कुल, मेरा ये कहना है इनसे कि ये गरीब आदमी को नहीं देख रहे, ये पैसे वालों को देख रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। आप अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में हम परिणामों पे देखे नजर डालेंगे कि क्या परिणाम होते हैं। लेकिन पहले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, कि ये जो नेता लोग जो 1-1 करोड़ जमीन वगैरह सब जो दे रहे हैं, हाँ, वो क्या अपना पर्सनल पैसा से दे रहे हैं या पब्लिक का पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, आपका मेरा और देश के आम आदमी का पैसा है। तो फिर गरीब आदमी को देना चाहिए, तो पहले से अरबपति आदमी लोग हैं, लोगों को देने है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरबपति ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। ये तो देश के आम आदमी का पैसा सरकार को देने का अधिकार नहीं। हमारे कॉलर कह रहे हैं, अब हम नजर डालते हैं परिणामों पे, क्या परिणाम होता है। पहले परिणामों पे नजर डालेंगे, उसके बाद हम कॉलर को भी लेंगे और आपके सामने हम उपायों पर भी चर्चा करेंगे। नजर डालते हैं परिणामों पे। क्रिकेट अब देशभक्ति से ज्यादा व्यापार हो गया है। IPL इसका उदाहरण है, जहां देश प्रदेश या क्षेत्र का कोई भाव नहीं, खिलाड़ी आज यहां कल वहां जाते हैं। देशभक्ति की भावना कम होगी। अगर ये क्रिकेट की दीवानगी ऐसे ही चलती रहेगी तो जाहिर है कि देशभक्ति की भावना कम होगी, क्योंकि लोगों का ध्यान केवल क्रिकेट पर रहेगा। असली हीरो को समाज भूलेगा और खेल के मैदान को हीरो माना जाएगा। चुनाव में क्रिकेट टीम को किट देकर वोट मांगे जाते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के लिए इसका सहारा लिया जाता है। भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है। हमारे समाज शास्त्रियों ने इसलिए ऐसे खेल बनाए जिसमें साहित्य या साधनों की जरूरत ना हो। कोई भी कहीं भी खेल सकता है, वह खेल कम होते हैं।
हमारे समाज शास्त्रियों ने जब खेलों की रचना की और सोचा तो ऐसे खेलों को प्राथमिकता दी जिसमें किसी साधनों की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब तो खेल ऐसे आ गए जिसमें बड़े बड़े पैसे लगाकर, मोटे मोटे पैसे लगाकर बड़े बड़े साधनों को लिया जाता है और फिर खेला जाता है। हमारे यहाँ अपने हाथों से या किसी भी साधनों के सिवाय भी खेल को खेला जाता है, वो एकल से लेकर बहुसंख्यक समूह खेल तक होता है। ये सोच इसलिए रखी गई कि देश का अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, वो भी इस खेल को खेल सके, किसी साधनों के कारण उसका खेल ना रुके। लेकिन अब विदेशी सोच आई है और अब हर खेल में साधन और अर्थात पैसा इसकी जरूरत है। गरीब खेल से दूर हो गए, वो केवल उसको देख सकते हैं। एक कॉलर की बात भी सुनेंगे। नमस्कार, हेलो। हेलो सर, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर, मैं चौहान प्रकाश बात कर रहा हूँ परभणी से, महाराष्ट्र। बोलिए प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? सर ये मुद्दा मैं ये चाहता हूँ कि इस 120 करोड़ आबादी वाले देश में सब लोग क्रिकेट की तरफ ध्यान दे रहे, जो कि सेवा और कृषि मंत्री रहे हैं वो क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि खेती पे ज्यादा ध्यान नहीं है उनका। जो 120 करोड़ आबादी में 50% ज्यादा से ज्यादा लोग खेती में काम करते हैं, फिर भी वो लोग क्रिकेट ऐसे खेलों पे ध्यान देते हैं। उन्होंने कम से कम, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी क्या समस्या है वो जानकर गवर्नमेंट चलाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, हेलो, बोलिए। हाँ, मेरी बात नहीं होते होते फोन कट गया था, तो मैं इसमें से दोबारा उपाय के लिए बोल जाता हूँ कि ये जब क्रिकेट पूरी तरह से व्यापार हो चुका है तो इस पर टैक्स की छूट जिस तरह से 45 करोड़ रुपए दे दी गई है, ये गलत है। इस पर अतिरिक्त टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल, और पूरी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट जब घुसे हुए हैं तो बिजनेस को किस वजह से छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है और इस पर अतिरिक्त टैक्स लगे। मीडिया भी जो बार बार कवरेज देता है, न्यूज चैनल को भी एक क्रिकेट चैनल के तौर पर बना के पेश कर रहा है, और पहले लाइव प्रोग्राम और उसके बाद ये हाईलाइट दिखाता है, ये नियंत्रित होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के सामने कई समस्या है और एक हमारे दर्शक ने मेल किया है, देश की टॉप 10 समस्या उनके दृष्टिकोण से उन्होंने लिखकर भेजी। हम एक एक कॉल भी लेंगे और एक एक समस्या की तरफ भी नजर डालेंगे। दुनिया की, भारत की टॉप 10 समस्याओं में एक समस्या यहाँ पर भेजी है, भ्रष्टाचार की। दुनिया में टॉप फाइव भ्रष्टाचारी देश है, उनमें भारत है $1.5 trillion के साथ एक नंबर पर, रशिया है $270 billion के साथ दो नंबर पर, इंग्लैंड है $390 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, यूक्रेन है $100 मिलियन और चीन है $96 बिलियन पर, हम है $104 trillion पर एक नंबर पर। भारत के भ्रष्टाचार की रकम 100 देशों से ज्यादा देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। अकेले ए राजा का भ्रष्टाचार, टाटा ग्रुप की कुल कीमत जो है, पूरा टाटा ग्रुप, जमशेदजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक, इन्होंने जितनी मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उसकी कीमत है 3 लाख करोड़। और अकेले ए राजा ने एक मंत्रिकाल में एक ही डील में भ्रष्टाचार किया है 2.25 लाख करोड़। मतलब एक राजा, ए राजा का एक भ्रष्टाचार टाटा के प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा है।